जब जब होती है धर्म की हानि, तब तब अवतार लेती है माँ उमा भवानी। भाई बहनों, सेवालाल के भक्त भाई बहनों को जो सेवालाल महाराज ने बोला है, जब जब होती है धर्म की हानि, तब तब अवतार लेती है माँ उमा भवानी। जब जब धर्म का हानि होता है, अधर्म का पालन होता है, ऐसी जगह में सेवालाल महाराज 250 साल पहले बोला है, जहां बंजारा समाज के ऊपर हानि दौर्जन्य होता है, उधर सेवालाल महाराज अवतार लेता है। इसलिए ये समाज पूरा माता जगदम्बा अवतार लेती है उमा भवानी बोले तो, ये देवी जगदम्बा है, जो दुनिया में कोई गरीब आदमी और कोई जीव जंतु के ऊपर जब दौर्जन्य होता है, तो माता जगदम्बा भवानी उमा भवानी बोले तो आदि पराशक्ति इस धरती आकाश पाताल को सृष्टि किया, और धरती के ऊपर जितने जीव जंतु है, पशु पक्षी है, गंगा गोदावरी को सृष्टि किया, और स्वर्ग में 33 करोड़ देवी देवताओं को सृष्टि किया। ऐसे आदि शक्ति जगदम्बा भवानी के सेवा करने वाले उनके भक्त लोग ही बंजारा समाज है। आज देखिए एक एक जात में एक एक भगवान अवतार लिया माता ने। हिंदुओं का अलग है, मुस्लिम का अलग है, क्रिश्चियन का अलग है, सिख का अलग, ऐसा हिंदू समाज में अवतार लिया तो आदि पराशक्ति उनके चरणों में आज सेवालाल महाराज के जयंती के उत्सव पर सभी नेत्र हम सब लोग माता को 9 कोटि कृतज्ञता, 9 कोटि वंदना, 9 कोटि नंबर विनती कर रहे हैं। सेवालाल जयंती आपको 285 साल हुआ सेवालाल महाराज जन्म लेके, तो सेवालाल महाराज ने बोला है 280 पहले आगे क्या क्या होने वाला है इस सृष्टि में। महाराज बोले बैल का जो सींग रहता ना, सींग सोने का पेट होने वाला है। आप सुने होंगे बलदेव सिंह मोले भाव, आज 60,000 में 1 तोला सोना से 60,000 में 1 तोला सोना है। आज एक बैल खरीदने तो 60,000 में मिल रहा, और 1 रुपए में 13 चना मिलने वाला है, चने चने खाने का चना। तो जब लोग सोचे ये चना तो इतना है, एक आना दो आना में क्विंटल मिल रहा, फिर 1 रुपए में 13 चना कहाँ मिलेगा बोल के सोचे, तो ऐसे भविष्यवाणी बताया सो सेवालाल महाराज। इनके पास इतना शक्ति था, सेवालाल महाराज माँ जगदम्बा का भक्त था, इसलिए आगे भविष्य में क्या क्या होने वाला सभी बताया है। ऐसा धरती के ऊपर कोई जगत गुरु भक्त नहीं बताया, श्री के रहस्य भगवान को मालूम है, सेवालाल महाराज को मालूम है। और हम लोग हिंदू समाज में अभी जो आध्यात्मिक पुराण का हिसाब से सब गणेश महाराज को पहला पूजा कर रहे हैं, सभी पुराण में पोती पुराण वेद में है पहले पूजा गणेश महाराज का करते हैं। फिर किसने बोले तो जो आने वाला संकट को दूर करने के लिए माता पार्वती ने अपना, आपको जब भक्त लोग पूजा करेंगे शादी में, शुभ कार्य में, गृह प्रवेश में, मंदिर प्रवेश में, हर जगह आपको याद करके आपका पूजा करेंगे, आप उनको सुख देना, सुख शांति देना, शुभम करना बोल के माता का आशीर्वाद है। तो
तो आप इस बात के ऊपर ध्यान दीजिए भक्तों, एक देवी पार्वती माता ने एक खिलौना बना के प्राण प्रतिष्ठा करके गणेश जी को पूजा किया, उनके पास इतनी शक्ति है। एक बात आप ध्यान कीजिए, जब एक देवी का खिलौने में इतना पावर है, फिर सात देवी जो बनाया, सात एक खिलौना बना के भीमा नायक महाराज को बोले, ये धर्म पत्नी धर्मणी माता को खिलाओ, सेवालाल महाराज जन्म लेगा। तो सात देवी ने दिया से उसमें कितना ताकत होना चाहिए, आप लोग बात के ऊपर ध्यान दीजिए। हम एक देवी का गणेश जी को इतना मानते हैं, तो सात देवी का सेवालाल महाराज को हम कैसा मानना चाहिए? तन मन धन आत्मा से हम मानना चाहिए। इतना पावरफुल सेवालाल महाराज का आज जन्मदिन है, ऐसा तो उनका चरित्र हम बोलने के लिए राजी है, लेकिन अभी हमारे जो बड़े लोग हैं, सुबह से चल रहा होगा, मैं तो अभी भी आया हूँ, टाइम भी बहुत हो गया बोल के बोल रहे। एक्चुअल तो ये धर्म और आध्यात्मिक का जो प्रवचन है, कम से कम एक घंटा बोलना चाहिए। मैं एक घंटा दो घंटा प्रवचन करता हूँ, लेकिन आपका 20 मिनट में इसको बंद करेंगे। हम टाइम मिले तो आपके सामने और बात करेंगे। पूरा सेवालाल का, देवी जगदम्बा, देवी माँ काली, दुर्गा, चंडिका, चामुंडेश्वरी, भुवनेश्वरी, अन्नापूर्णेश्वरी, हिंगणा माता, मद्राल माता, बगलामुखी माता, तुलजा माता, संतोषी माता, गायत्री माता, शीतला माता, रेणुका माता, आदि लक्ष्मी माता, माँ सरस्वती, माँ पार्वती, माँ दुर्गा, हम ऐसे देवी का आपको सब कुछ बताएंगे। कौन सा माता ने किस लिए अवतार लिया, कौन सी देवी ने क्या अवतार लेके क्या उद्धार किया, किसके लिए जन्म लिए, अवतार लिए, वो सब आपको बताएंगे हम लोग। और हम सबको एक धन्यवाद भी कर रहे हैं कि जो सबको आज सबने कुछ एक ट्राइबलों के लिए क्या क्या फैसिलिटीज है बताया, उनको मैं धन्यवाद और आशीर्वाद, माँ का आशीर्वाद है। प्रार्थना करूँ एक दिन टाइम लेके फुलसिंह नायक साहब सबको धंधे वालों को जमा करके बिठाओ, सबे ड्राइवर वालों को क्या क्या फैसिलिटीज है अभी कोई बताया नहीं, मालूम भी नहीं है। ये लोग तो काम मेहनत मजदूर करने वाले है, ये लोग कभी पेपर देखते नहीं, पेपर पढ़ते नहीं, इसलिए आप थोड़ा समाज के ऊपर समाज का सेवा करो। जो बंजारा समाज का जो भी सेवा करता, उसको बंजारा का भगवान सेवालाल महाराज का कृपा जरूर देता। जो बंजारा समाज को साथ देता, उसको भगवान सेवालाल जरूर साथ देता। और इसी मंडप में मैं और एक भी जो आज का गौरवनीयुलु तेलंगाणा राष्ट्र मुख्यमंत्री श्री रेवंत रेड्डी सार गारी की, मा तेलंगाणा बंजारा समाजम नुंची ఈ రోజు మల్లన్న తాండా సేవాలాల్ జగదంబ మంది తరపు నుంచి ఇది ఎన్నో ఏళ్ళ పోరాటము, 15 ఫిబ్రవరి నాడు సెలవు ఇవ్వాలని ఎప్పుడుతో ఎన్నో ప్రభుత్వాలతో మేము పోరాటం చేసుకుంటూ వచ్చాము, కానీ మా కళ నెరవేరలేదు. ఈరోజు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి కాగానే మన బంజారా వాళ్లకు ఒక ఫస్ట్ గిఫ్ట్, ఒక మంచి మనకు ఒక రోజు హాలిడే ఇచ్చినందుకు మా బంజారా సమాజం రాత్రి అంతా జాగారం చేద్దాం. మన మహారాజుని కూడా పండుగనివ్వకుండా మనం వారి సందేశాన్ని ఇద్దాం. దయచేసి మన ఎంఆర్పిఎస్ నాయకుడు రామచంద్రన్న గారు ఒక్కసారి పంచం వచ్చాను.